केदारनाथ फिल्म की जब घोषणा हुई तब कहीं एक उम्मीद जागी कि भारतीय सिनेमा ने भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक आपदाओं पर एक पूरी फिल्म बनाने की हिम्मत दिखानी शुरू कर दी है। उत्तराखंड के इस भीषण हादसे ने न सिर्फ कई घरों को उजाड़ा था बल्कि इसके साथ कई परिवार भी बर्बाद हो गए। लगभग 70,000 लोगों का तो अब तक कोई भी पता नहीं है। ऐसा कहा गया कि इसी त्रासदी पर फिल्म केदारनाथ आधारित है, मगर कुल मिलाकर मामला टोटल फिल्म में निकला। एक बोझिल सी प्रेम कथा जिसे देखना पहाड़ पर चढ़ने जितना ही थकाऊ था, और अंत में बच्चों के कार्टून चैनल्स की ग्राफिक्स को टक्कर देते विजुअल इफेक्ट्स और फिल्म खत्म हो जाती है। अभिनय की बात करें तो सारा अली खान की डेब्यू फिल्म भले उतनी दमदार न हो, लेकिन सारा अली खान के रूप में बॉलीवुड को अभिनेत्री जरूर मिल गई। सुशांत सिंह राजपूत एक समर्थ अभिनेता के तौर पर लगातार अपने आप पर काम करते साफ नजर आते हैं, मगर मसाले कितने ही शानदार क्यों न हो, उसको सही अनुपात में नहीं डाला गया तो बिरयानी बेस्वाद ही बनेगी। काय पोचे में कच्छ के भूकंप का इस्तेमाल करने वाले अभिषेक कपूर ने इस बार केदारनाथ की बाढ़ का इस्तेमाल जरूर किया। मगर कमजोर कहानी, धीमी रफ्तार और अधपके विजुअल इफेक्ट्स ने केदारनाथ पर पानी फेर दिया।